نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. जी, आज हम अल्लाह के नबी की जिस बीवी को, जिनकी हिस्ट्री को वेलकम कहेंगे, वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हुज़ैमा। इनकी कुछ क्वालिटीज थी और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी हैं जो सबसे कम अरसा उनके साथ रही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रही, इनकी वफात भी हो गई। इसलिए हमें इनकी स्टोरी को कुछ पहलू बस हमें नजर आते हैं। ये अल्लाह के नबी की ऐसी बीवी थी कि जो गुराबा से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, गरीबों, मस्कीनों, फकीरों के साथ उसने सलूक करती, सदका खैरात बहुत ज्यादा किया करती थी, इतना ज्यादा सदका खैरात करती, इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी करती कि उनको उमुल मसाकीन के नाम से याद किया जाता। उनका लकब था उमुल मसाकीन, मस्कीनों की माँ। कितना खूबसूरत नाम है ना। अल्लाह के लिए इंसान, कोई भी इंसान जो कोशिश करता है, अल्लाह किस इंसान की नेकी अपने पास नहीं रखते। अल्लाह ताला उस नेकी का बदला दुनिया में भी और आखिरत में भी देते हैं, तो दुनिया में भी इनको बदला मिला। कैसे? उमुल मसाकीन, किसी को मुआशरे की तरफ से एक लकब मिल जाना कोई छोटी बात नहीं होता। और अल्लाह के नबी की वसीयत से 13 साल पहले ये मक्का में पैदा हुई थी और जब ये जवान हुई तो तब इस्लाम जो है उसका बोलबाला हो रहा था। और ये उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल है जिन्होंने अल्लाह के नबी पर ईमान लाने में सबकत अख्तियार की। कहा जाता है कि इनकी शादी जो है तुफैल बिन हारिस से हुई थी। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन्हें तलाक दे दी, एक रिवायत में आता है। और उनके भाई उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। वो जंगे बदर में शहीद हो गए और फिर नबी सल्लम ने हिजरत की 31 माह बाद रमज़ान में इन्हें अपने निकाह में लिया। और इनके निकाह में आने से पहले अल्लाह के नबी की कौन सी बीवी थी अल्लाह के रसूल के पास? याद है आपको? हफ्सा बिन्त उमर, जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया जिन्हें। तो 3 हिजरी में जंगे अहद में बहुत से सहाबा जो है वो शहीद हुए, बहुत कुछ पीछे छोड़ के गए थे। अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें लुटा दी। उस वक्त चूंकि इस्लाम अभी फैल फूल रहा था तो शुहदा की बीवी और बच्चों को ऐसे तनहा नहीं छोड़ा गया। दूसरे सहाबा ने उनको संभाला, कुछ ने अडॉप्ट किया, कुछ ने बीवियों से शादी कर ली, क्योंकि वो सब आपस में भाइयों की तरह मोहब्बत के साथ रहा करते थे कि अगर किसी की कोई कमी रहती या कोई शहीद हो जाता तो सहाबा की कोशिश होती कि वो बीवियों को सहारा दें। और वैसे भी कहते हैं कि गजबाहत में जिनकी हस्बैंड्स फौत हुए तो वो बीवियाँ बहुत ज़्यादा रंजीदा हुई। एक हमना बिनते जखश का तस्करा किया जाता है कि जिनके हामद गजबाहत में शहीद हुए, इन्होंने अपना दर्द इस कदर जाहिर किया, इस ऐसे से कलमात अदा किए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये कलमात गए
उनके अपने हस्बैंड्स के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया कि औरत के दिल में अपने हावत का जो मुकाम और रुतबा होता है वो किसी और का नहीं होता, कि वो उसकी कमी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, वो उससे बिछड़ कर उसको वो गम जो है निडाल भी कर देता है। तो अल्लाह के नबी, इसीलिए आपने देखा होगा कि रसूल सल्लम की जिंदगी में जितनी भी बीवियां आई, तकरीबन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह के अलावा सारी बीवा, यानी उनकी दूसरी शादी हुई थी नबी सल्लम के साथ। तो इसी तरह गज़वा उहद में जब इनके हस्बैंड फोत हो गए, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शादी करी। और जब इनकी शादी हुई थी तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हफ्सा बिनती उमर दोनों उस वक़्त मौजूद थी, सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। तो उसके अलावा ये है कि लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को और हफ्सा बिनती उमर। एक तो ये चीज़ थी कि उनको पता था कि अल्लाह के नबी सल्लम हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस चीज़ से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरा, उनको पता था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, कि अल्लाह के नबी कोई भी काम कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं करते, ज़रूर उनको वही की जाती है। तो ये चीज़ सोचते हुए उन्होंने अपने जो जेलसी होती है और जो आज के दौर में जो कंडीशंस होती है ना, क्या जब शादी कोई करता है तो एक वबेला सा मचता है, वो सब चीज़ें, तो उस वक्त उन्होंने ये सब नहीं किया बल्कि खुशी से एक्सेप्ट किया और उनके साथ बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना ही उनके लिए दिल में कोई ऐसी बात थी। बहुत खूबसूरत उनके साथ, जैसे सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन दोनों को एक्सेप्ट किया और उनको खुश दिली से कबूल किया और ये सोचा कि अल्लाह की नबी को इनसे मोहब्बत है तो मुझे इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। तो जो उनको बड़ी बीवी की तरफ से मिला ना, आगे उन्होंने भी वही रवैया अपनाया। तो बात ये समझ में आती है कि आप और किसी बड़े स्टेज पे हैं, जो आप करते हैं आपके बाद आने वाले लोग उसी को किसी दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से की गई गलती आप जो अपने छोटों पे करते हैं, छोटे सीखते हैं ना, तो वो छोटे आगे जब अपने छोटों के साथ करते हैं तो वो हमारा समझे बोझ बढ़ता जाता है। इसलिए बींग अ मदर, बींग आप किसी भी रिश्ते में बड़े हैं तो आप क्या करना चाहिए, बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज सिखा रहे हैं। जैसे एक सास होती है वो अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, वही बहू जब सास बनती है तो वो अपनी बहू के साथ बेहतर सलूक नहीं करती, क्योंकि उसने जो लर्न किया होता है वही आगे सिखाती है। तो आप बड़ी जगह पे होने के नाते आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपने दूसरों को सिखाना। अगर आप घर की बड़ी बहन है ना तो आप रोल मॉडल बन सकती हैं, जो आप करेंगी जो आपके अंडर रहने वाले हैं आपसे नीचे, आप ना ही हुक्म दे, लेकिन ये होता है कि रोल मॉडल इंसान बन जाता है ना, फॉलो किया जाता है, तो इससे हम ये चीज भी सीख सकते हैं। उसके बाद फिर वो अल्लाह के नबी की जिंदगी में आई, पहले भी वो गुराबा की बहुत मदद करती थी, बाद में भी उन्होंने गरीबों मस्किनों का बड़ा ख्याल रखना होता था। और फिर सारे सूफा जो इल्म इबादत के लिए दुनिया से कट कर मस्जिद नबवी में रहा करते थे, उनकी बहुत मदद करती, उनका ख्याल रखती, उसमें सुख से पेश आती, इसी वजह से सब जो है उनका बहुत इख्तराम करते, उनके लिए दुआएं करते, उनके हाथ में तारीफी कलिमा। अब उनका जो अरसा था नबी सल्लम के साथ बहुत कम था और यूँ उनकी ज़िंदगी चंद माह ही गुजरे कि जो लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे उनके चेहरे पर एक गम के असरात नुमाया हुए कि क्या हुआ कि वो अपने रब से जा मिली और जन्नत का सफर उनका शुरू हो गया। हज़रत खदीजा के बाद ये पहली बीवी थी जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में फोत हुई, अल्लाह के रसूल ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कहा जाता है कि इनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी जब इनकी वफात हुई और मदीना मनवरा में ही इनको दफन किया गया। और जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में वो आई, वो
कुछ देर रही और फिर वो इस दुनिया से चली गई। हाँ जी, हजरत खदीजा के बाद पहली बीवी ये रही जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में ही फौत हुई थी, और अल्लाह के रसूल ने उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नमाज जनाजा भी पढ़ी और इनके लिए दुआ भी की। इसकी इतनी डिटेल नहीं मिलती है कि इनकी वफात कैसे हुई, हो सकता है ये ऐसी अचानक ही ये फोत हो गई, इसकी इनकी बीमारी का तस्करा नहीं होता, यह हो सकता है कि हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड जो है इतनी इंफॉर्मेशन ना हमें जितनी जितनी मिलनी चाहिए। वैसे भी 30 साल की उम्र में नहीं होगा, अचानक मौत भी हो सकती है। जी, उम्मे सलीमा हिंदा बिनते अबी उमैया, उम्मे सलीमा का नाम आपने सुना होगा, इनका असल नाम था हिंदा बिनते अबी उमैया, लेकिन उनको उम्मे सलीमा के नाम से जाना जाता है, वो उम्मे सलीमा के नाम से मशहूर भी है। अबू सलीमा जो इनके हस्बैंड थे, 10 अफराद जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया ना सबसे पहले, उनमें से एक वो थे, और वो खुश नसीब थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। फिर जैसे हस्बैंड ने भी किया तो फिर बीवी ने भी किया, हिंदा बिनते उमैया ने भी किया। ये खालिद बिन वलीद के चचा की बेटी थी और अपनी कुन्नियत उम्मे सलीमा से ये मशहूर हुई कि उम्मुल मोमिनीन का शर्फ भी इनको हासिल हुआ। इनका अखलाक बहुत अच्छा था, ये मक्का की ऐसी खातून में से थी जो सबसे खूबसूरत और ख़ानदानी अतबार से सबसे मुअज़्ज़ज़ थी, खूबसूरत भी थी मुअज़्ज़ज़ भी थी, और इन्होंने अल्लाह के नबी पर ईमान भी पहले लाया। ख़वातीन में से जिन्होंने सबसे पहले, सैयदा खदीजा ने, उनकी बेटियों ने उम्मे अमन, उम्मे फजल और इन और साथ उम्मे सलीमा, ये लोग जो है ना पहले पहले ईमान लाए। अगर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये इनका जो कबीला था बहुत मशहूर और बहुत जो है आला कबीला था, तो ये अब कबीला बनी मखजूम जो है उनकी बेटी थी। इनका जो बाप था ना, अच्छा, इनके हस्बैंड भी अबू सलीमा के नाम से मशहूर थे, ठीक है, अबू सलीमा यानी उम्मे सलीमा और अबू सलीमा, पूरा नाम था इनका अबू सलीमा बिन अब्दुल असद। इनका कबीला बनी मखजूम था और इनके जो वालिद थे, उम्मे सलीमा के जो वालिद थे, वो कुरैश के सरदार थे और पसंदीदा सरदार थे, ठीक है, और सखावत बहुत ज्यादा किया करते थे, सहावत में इतने मशहूर थे कि इनकी मिसाल दी जाती थी, जो लोग इनके साथ सफर करते तो तमाम सफर के अखराजात इनके सुपुर्द होते और ये सफरी अखराजात उठाया करते थे, और इवन के जो लोग इनके साथ सफर करते थे वो अपना ज्यादा राह ही नहीं लेके जाते थे, ना चूल्हा जलाते थे, जितने भी लोग होते सबको ये सबकी किफायत की जिम्मेदारी इनके पास होती, इसीलिए इनको लकब दिया जाता था ज़ादे मुसाफिर के लकब से जाने पहचाने जाते थे। जब ये मैं लाइनें पढ़ी थी तो दिल चाह रहा था कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा सखी इंसान बनाए कि हमारे साथ जो लोग सफ़र करें, कभी मौका मिलता है ना, या हमारे साथ कहीं बाहर जाएं तो हम खर्च करें उन पर और हम हिसाब ना करें, और ऐसा खर्च करें कि दिलो जान से छोटी मोटी चीज़ें जो हम एक दूसरे को ले देते हैं रास्ते में खा लेते हैं, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं या ट्रैवलिंग में या किसी सैर के लिए जाते हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको इतना इतना ज़्यादा माल भी दे और इतना दिल भी दे, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास माल बहुत होता है फिर भी वो एक एक रुपये का हिसाब करते हैं, और कुछ लोगों के पास माल इतना कम होता है लेकिन वो एक एक रुपये का हिसाब नहीं करते, अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करते हैं।
मतलब अपने साथ रहने वालों पे खर्च करते हैं, दिल खुला होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो देखिए अपने इनके बाप में एक चीज थी ना, क्वालिटी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी क्वालिटी, जब उनकी बेटी का जिक्र किया तारीख में, तो उनकी क्वालिटी, बाप की क्वालिटी भी सामने है। तो ये क्वालिटी उनकी बेटी के अंदर भी आई थी, उम्मे सलमा के अंदर भी ये क्वालिटी थी, जो दो सखा थी। उससे हम क्या लर्न करते हैं कि आपकी औलाद मुआशरे में आपके नाम से पहचानी जाती है। अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां जरूर पैदा कीजिए कि आपकी औलाद फखर से बता सके कि मेरे वालिदैन ये हैं, मेरे पेरेंट्स इनका नाम ये है। ठीक है, आपने बींगा फादर या बींगा मदर, या अगर अभी सफर शुरू करना है ये, तो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी जरूर पैदा करनी है कि आपकी औलाद आपको पर फख्र कर सके। वैसे तो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि मुझे फख्र हो। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर फख्र कर सके। आपको पता है अगर हम फख्र के काबिल होंगे तो औलाद भी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि अगर वालिदैन काबिल इज्जत नहीं है तो बच्चे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए वालिदैन जब कभी बुरे कदम उठने लगे या बुराई की तरफ कदम उठने लगे, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं अखलाक के मामले में, मामलात के मामले में, इबादत के मामले में, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि रुसवाई सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि आपकी औलाद को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसी से फिर दूरी का रिश्ता भी शुरू हो जाता है। इसलिए आइडियल माँ बाप बने। हम हमेशा दुआ करते हैं रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे अच्छा माँ बाप बनाना, ऐसी माँ बनाना कि मेरे बच्चे जो रश्क करें। और उस पर ये नहीं कि बच्चों के लाड़ उठाने से ही माँ बाप पर रश्क किया जाता है, बच्चों की बेहतर तरबियत करना और उससे पहले अपनी तरबियत करना। आप बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते जब तक आपकी अपनी तरबियत ना हो। आपके अंदर झूठ की कोई लग्जिश नहीं होनी चाहिए, आपके अखलाक में बेअदबी नहीं होनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से मोहब्बत करें, लोगों को मुआफ करना सीखें, और फिर आप मुआफ करेंगे आपके बच्चे भी मुआफ करेंगे। आपके अंदर सखावत का एलिमेंट होगा, आपके बच्चों के अंदर भी होगा। अगर माँ बाप में से किसी एक में है ना, तो देखेंगे ये कुछ बच्चों के अंदर जरूर होगा। कुछ बच्चे माँ पे होते हैं, कुछ बाप पे होते हैं। तो अक्सर होता है कि बाप खुला खर्च करते हैं और कुछ बच्चे फिर बाप की तरह खर्च करते हैं, और कुछ गिन गिन के रखते हैं, और फिर बच्चों के अंदर भी गिनने की आदत होती है। ये आप देखेंगे आपके मुआशरे में ये चीज़ ज़रूर पाई जाएगी। तो अपने अंदर ये चीज़ भी लेके आनी है। अगर बेहतर बीवी बनना चाहते हैं तो अगला स्टेप माँ बाप बन माँ बनने का, उसकी भी तैयारी करनी है। उसके बाद ये तो थी उनकी बाप की खूबियाँ, और उनके जो हस्बैंड थे वो भी कबीले में शुजाअत, सखावत, शराफत इस एतबार से मशहूर थे। उनके अंदर भी बहुत सी ऐसी खूबियाँ थी कि जिनके बारे में हिंदा बिनते अभी